ज्या वेळेला देशावरती ज्या ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्या वेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे. आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस, एक दिवस. एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो. एक दिवसात सत्य जय, सत्यमेव जय. It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Sri Balasaheb Thackeray breathed his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. बाला साहब ठाकरे 86 बरस तक जिंदगी का साथ निभाया और जब लगा कि जिंदगी ने ही सांसों के साथ मिलकर जिस्म छोड़ने की साजिश रच ली है तो जिंदगी से मुंह मोड़ लिया और निकल गए अपने अंतिम सफर पर. रिटायरमेंट हमारे घर में नहीं होती, कभी नहीं. टायर होऊंगा, टायर तो होता है, मगर रिटायरमेंट नहीं, रिटायर कभी नहीं, पंक्चर भी नहीं होगा. बाला साहब ठाकरे एक योद्धा की तरह जीवन का जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार हम सबको निराश होना पड़ा, हमें आज बाला साहब को खोना पड़ा है. बाला साहब का जाना जैसे युग की विदाई है. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं, और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के काबिल हो. हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जयते. जय हिंद, वंदे मातरम. सफर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, पीछे वो सब कुछ छूटता जा रहा था जिसके बिना अतीत से लेकर वर्तमान तक और आने वाले कल के इतिहास की कोई कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें बाला साहब ठाकरे की कोई कहानी न जुड़ जाए. खामोशी बाला साहब की शख्सियत के सामने आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करती थी, लेकिन अब उनसे जुड़ी हर बात खामोश है. मुंबई की गलियां खामोश हैं, खुद बाला साहेब खामोश हैं, मातोश्री खामोश है, शिवसेना का दफ्तर खामोश है. हमने पूरे देश के लिए आह्वान किया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के चाहने वाले पूरे देश में है, तो पूरे देशवासियों का आह्वान किया है हमने कि कृपया शांतता और संयम रखें, और आप अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं पूरे देश से, तो आपकी व्यवस्था शिवसेना प्रमुख के अंतिम दर्शन के लिए हमने एक. हर तरफ सिसकती नम आंखों और सहम कर धड़कते दिलों में एक सवाल है जो बड़ी ही खामोशी से सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच बाला साहब चले गए. मौत को तो हर बार बाला साहब मात देते आए थे, बीमारी उनके हौसलों के आगे हमेशा ही पस्त होती रही थी. कई बार बाला साहब अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन हर बार मुस्कुराते हुए लौट आए. बहुत जोर से उसमें पेन आ गया, दुख हो गया, होने लगा वो. तो मैंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, खाना खाने के वक्त भी हो गया,
खाना भी नहीं जा सकता था। 3 किलो तो मेरा वजन घट गया। ये होने से मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये करना पड़ेगा इंडोस्कोपिंग। चलिए इंडोस्कोपिंग करेंगे। लीलावती में हम गए, कितना देर लगेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले बस 2 मिनट। और वो शुरुआत जो होगी, आधा घंटा तो मैं बेशुद्ध था। वो एनेस्थीसिया दिया नस में से, आधा घंटा मैं बेशुद्ध था। इस बार जब सेहत बिगड़ी तो सबको यकीन था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वक्त ने इस बार साथ नहीं दिया। दुआओं और दवाओं पर मौत का दांव भारी पड़ गया। वक्त की विसात पर जिंदगी हार गई। हालांकि अटकलों और कयासबाजियों की दुनिया में इस दिन की आहट उस वक्त सुन ली गई थी जब शिवसेना के सबसे अहम मौके पर बाला साहब की मौजूदगी नहीं थी। इस साल 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली में बाला साहब नहीं आए। अक्सर उन्हें इस रैली में आने में देर हो जाया करती थी, लेकिन वो आते जरूर थे। लेकिन इस बार उनका संदेश आया था। इस सगड़े धोत होता ना, आदमी साफ जल ले। इतकी इच्छा सुन सुद्धा, अपने भेटी से वाटून सुद्धा शारीरिक दृष्ट्या कोसळलोय। माझी इच्छा होती भयंकर, यावं भेटावं बोलावं, पण नाही, साफ झालं। बालासाहेब नहीं आए। इस एक बात ने वहां मौजूद उनके हर चाहने वाले को बेचैन कर दिया और उनके अगले ऐलान ने तो लोगों को झकझोर कर रख दिया। उद्धव आदित्य हे मी तुमच्या ते लागले असतील तर विसरून जा, पण मी लागलेले नाही, तुम्हीच त्यांचा स्वीकार केलेला आहात। हे सोनिया गांधींचं सारखं घराणं नाही आहे, गांधी घराणं नाही आहे, हे मी तुमच्या ते लादलेलं नाही आहे। आणि म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या। मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या। असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही, एवढंच म्हणे। जय हिंद। बालासाहेब की ये तेवर दुनिया ने पहली बार देखे थे, जिनमें तहाड़ की जगह अपील थी, जिस्म की यातना ने उन्हें याचना के लिए मजबूर कर दिया था। बाल केशव ठाकरे एक कार्टूनिस्ट जिसने वक्त के कैनवस पर अपने ब्रश से जो आड़ी तिरछी लकीरें खींची, उन्होंने भारतीय राजनीति, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को नया रंग दे दिया। और वो रंग था धर्म का, वो रंग था उस ताकत का जिसने महाराष्ट्र की सियासत को ठाकरे परिवार की जागीर बना दिया। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे तो आम्हाला माहित नाही। बाल ठाकरे के तेवरों ने उन्हें मराठी राजनीति के टाइगर का रुतबा दिया। बाल ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे बना दिया। ये रुतबा, ये जलवा उन कोशिशों का नतीजा था जिनकी शुरुआत 20 के दशक में पुणे की गलियों से हुई थी। तारीख 23 जनवरी 1926, स्थान पुणे। बाल केशव ठाकरे, यही नाम रखा था पिता केशव सीताराम ठाकरे ने अपने बेटे का। खुद फिल्म कंपनी में काम करते थे, लेकिन सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था के खिलाफ अलख जगाने का काम भी करते थे। एक दिन बाल ठाकरे ने अंग्रेज कार्टूनिस्ट डेविड लो को कार्टून बनाते देखा तो खुद भी कार्टूनिस्ट बनने का फैसला कर लिया। कमाल तो तब हुआ जब आने वाले वक्त में बाल ठाकरे के कार्टून डेविड लो के साथ एक ही मैगजीन में छपे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कार्टूनिस्ट बनने के सपनों को पंख लग गए और बाल ठाकरे ने पहले नवयुग, बाद में फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम करना शुरू कर दिया। इकहरे बदन के ठाकरे हौसलों को लेकर हमेशा ऊंची उड़ान भरते थे। बहुत जल्दी नौकरी से ऊब गए और अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ 13 अगस्त 1960 को मार्मिक नाम से खुद की पत्रिका निकालने लगे। इतना वो पहले ही बने थे, लेकिन बाद में उनके ख्याल में आया कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनमें कोई किसी के दोस्त रहते हैं, कोई किसी के क्या रहता है, वैसे रहता है। तो उनके जो मैनेजर थे या उनके संपादक थे वो कहने लगे कि इस पर कार्टून मत बनाओ। वो क्या नाम, वो एक विनू मसानी,
उन पर मत बनाओ, एसके पाटिल पर मत बनाओ, फलाने पर मत बनाओ, तो फिर छोड़ दिया। इसी वजह से दो बार उन्होंने फ्री प्रेस छोड़ा था। कोई प्रभावशाली कार्टून से, इस कार्टून के माध्यम से एक कार्टून उनका अखबार के कई लेखों की जो प्रतिक्रिया होती थी, इससे जबरदस्त ताकत उनके कार्टून में रहती थी। बाला साहेब ठाकरे जी के निधन से महाराष्ट्र के बहुत अनुभवी और एक ज्येष्ठ नेतृत्व हमने खो दिया है, और एक महाराष्ट्र की राजकीय नीति की और देश की राजनीति की क्षति हुई। बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में अपना कार्य आरंभ किया, उसके बाद एक राजनीतिक संगठन के रूप में शिवसेना की स्थापना की। ये दौर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का था। मराठी बोलने वालों के अलग राज्य की मांग तेजी से सिर उठा रही थी। बाल ठाकरे के कार्टून्स के साथ मराठी मानुष के जज्बात जुड़ते गए और बाल ठाकरे लोगों के दिलों में जगह बनाते गए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पेन एंड ब्रश दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया उससे, तो मार्मिक के ऑफिस में भीड़ बढ़ने लगी, और उनके पिताजी जो मशहूर, सबको नाम उनका मालूम है, प्रबोधनकार ठाकरे, ऐसे नाम से वो जाने जाते हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनको पूछा कि बाल, अपने बेटे से बात कर रहे थे वो, कि बाल ये इतनी भीड़ हो रही है, ये भीड़ का आप क्या करेंगे? उनकी कुछ यूनियन, तो बाला साहब ने जवाब दिया कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला अरे जल्दी से जल्द उनकी यूनियन कुछ करना चाहिए, इतने आदमी आ रहे हैं, तरस रहे हैं अपने हकों के लिए। तो नाम भी प्रबोधनकार ठाकरे ने दिया, शिवसेना। लोगों का साथ मिला तो बाल ठाकरे की उम्मीदों को भी पर लगे, और उन्होंने अपने कार्टून्स में शासित वर्ग के कम्युनिस्ट और सोशल लीडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यही वो मुद्दा था जिसने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को ठाकरे से जोड़ दिया, और मार्मिक के जरिए ये अपील लोगों तक पहुंचने लगी कि जो मराठी बोलने वाले हैं वो उनसे जुड़ जाए। 19 जून 1966, शिवाजी पार्क, मुंबई। 20,000 से ज्यादा लोग ठाकरे से जुड़ने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में जमा हो गए। पिता केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे ने इस जनसैलाब को एक बैनर के नीचे ला खड़ा किया और इनके मकसद को एक नाम दे दिया, शिवसेना। प्रमुख बाला साहब ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ऐसे हमारे प्रमुख परिवार के प्रमुख थे। जिस प्रकार से हमारे सबके मन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जिस प्रकार की श्रद्धा और प्रेम है, उसी प्रकार की श्रद्धा और प्रेम हम सबको बाला साहब के बारे में निश्चित रूप से हमारे सबके मन में है। मेरे लिए तो उनके साथ मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। मेरे ऊपर प्रेम करने वाला एक दिलदार व्यक्तित्व, नेतृत्व, ऐसा उनका एक स्वभाव था। कुछ ही महीनों के बाद दशहरे के दिन शिवसेना ने शिवाजी पार्क में पहली विशाल रैली की। इस रैली ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए तूफान का संदेश दे दिया। मराठी अधिकारों की आवाज के साथ शिवसेना ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी मराठी कभी भूल नहीं सकते। शिवसेना के निशाने पर गैर मराठी लोग आने लगे, जिनमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई दक्षिण भारतीय लोगों को। हालांकि बाल ठाकरे ने इस बात से हमेशा इनकार किया। शिवसैनिकों ने, उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया वो। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के नारे के साथ शुरू हुई शिवसेना पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगने लगी। सोशल वर्क क्या होता है? मोर्चा निकालना। मोर्चा निकलने के बाद पुलिस आपको रोक देंगे, उधर बैठना पड़ेगा, अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप। आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूँ, मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं, कुछ पूछने वाले मंत्री तो ध्यान नहीं देते। जगह जगह गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन होने लगे। इससे बाल ठाकरे मराठी जनता के सिरमौर होते चले गए। बाला साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे
जिन्होंने जिस विषय पर जो सोचा उसे बहुत बेबाकी से बोला, कभी किंतु परंतु अगर मगर लगाकर नहीं बोला। इस कारण से उनके अनुयायी भी बहुत बढ़े और उनके विरोधी भी, लेकिन कभी वो विरोध से विचलित नहीं हुए और मुझे तो जीवन में उनसे बहुत आत्मीयता मिली। मैं अपने आप को धन्यभागी मानती हूं कि भरपूर स्नेह एक ऐसी महान शख्सियत ने मुझे दिया। 1968 में शिवसेना ने मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। बाल ठाकरे ने प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। प्रजा समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लीडर्स वही थे जो कभी बाल ठाकरे के कार्टून्स में नजर आते थे। पहले ही चुनाव में ठाकरे की शिवसेना ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। शिवसेना धीरे धीरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक विचारधारा बनती चली गई और यही वो वक्त था जब ठाकरे ने अपनी विचारधारा को शब्दों का जामा पहनाकर घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। शिवसेना का मुखपत्र सामना लॉन्च हुआ। माननीय हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे। चेहरे पर दाढ़ी, गले में किसी मंदिर के महंत की तरह लटकती मालाएं और जिस्म पर गेरुआ या सफेद कुर्ता, भेस योगियों सा, लेकिन आवाज में एक तानाशाह से गरज। ज्या ज्यावेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असते। देखते देखते बाळ ठाकरे मसीहा बन गए उस आम मराठी के जिसके वो किसी दौर में महज हमदर्द हुआ करते थे। लड़ तो रहे थे बाल ठाकरे महाराष्ट्र के धरती पुत्र के लिए, लेकिन उनका सियासी कद इस वक्त छूने लगा था आकाश को। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। बाल ठाकरे के साथ हुजूम था और हुजूम के पास ताकत, और उस ताकत को अपनी मर्जी से कहीं भी झोंक सकते थे बाल ठाकरे महज अपनी एक आवाज से। ये बात बाल ठाकरे बखूबी जानते थे। मुझे इस बात का दुख है कि बाला साहब ठाकरे जी का दुखद देहांत हो गया है। हालांकि वैचारिक मतभेद उनके साथ थे, लेकिन उनकी उनका साहस, उनका करेज ऑफ कन्विक्शन और साथ में उनका जो शार्प विट, वो प्रशंसनीय था और उसका मैं कायल था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हिटलर के मुरीद बाल ठाकरे दीवाने थे हिटलर के तीखे भाषणों के। हिटलर को ठाकरे आवाज का जादूगर और आर्टिस्ट मानते थे और खुद भी बाल ठाकरे कलम से कलमकारी करने वाले एक आर्टिस्ट ही थे। लेकिन बाल ठाकरे ने कभी हिटलर की ज्यादतियों की हिमायत नहीं की। 1989 में जब बाल ठाकरे ने शिवसेना मुखपत्र सामना की नींव रखी थी, तब अखबार का मकसद था कटाक्ष के जरिए समाज को आईना दिखाना। लेकिन 1992 तक आते आते मानो सामना कटाक्ष करना छोड़कर कटार चलाने लगा था। कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे की कलम अब सियासत के एक अलग ही रंग की स्याही उगलने लगी थी। अब इसमें एक कार्टूनिस्ट का तंज नहीं बल्कि एक सियासतदान की तलखियां थी। इसकी मिसाल थी बाबरी मस्जिद गिराए जाने से ऐन पहले सामना में छपा ये एडिटोरियल। आपका शिव सैनिक जब अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था तो कैसा लग रहा था? वो यकीनन उस दहाड़ते हुए शेर की तरह लग रहा था जिसका खौफ हर तरफ था। उसकी चाल में एक मदमस्त हाथी सी मस्ती थी। उसके हमले में एक गैंडे सी ताकत थी जो चट्टानी पहाड़ को मसल कर पाउडर बना दे। अयोध्या की तरफ बढ़ते उस शिव सैनिक में थी चीते सी चपलता भी। इस हिंदू योद्धा को हमारा अनेक अनेक आशीर्वाद। ये बहुत हिम्मत की बात थी। उस वक्त पूरे विश्व में माहौल उस वक्त बाबरी का चल रहा था और बाला साहब ने कहा अगर शिव सैनिक का नाम कोई लेता है तो कहिए मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों के ऊपर और
फक्र है, मैं उनके साथ हूं। सामना में छपा ये एडिटोरियल बाल ठाकरे के बदले हुए एजेंडे की तरफ इशारा कर रहा था। 60 और 70 के दशक में शिवसेना के निशाने पर थे दक्षिण भारतीय, गुजराती और मारवाड़ी, लेकिन 1990 का दशक आते आते सामना में संपादकीय के जरिए और अपने भाषणों से बाल ठाकरे ने हमले शुरू कर दिए मुसलमानों पर। Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? All we accept that we are the citizens of this country. All this problem will be finished. इससे पहले भी कई बार बाला साहब ठाकरे ने अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधा था, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे उन पर वार करना शुरू कर दिया। शिवसेना की अल्पसंख्यक विरोधी भूमिका अयोध्या कांड के बाद खुलकर सामने आई, और इसी बीच बाला साहब ठाकरे ने कुछ विवादास्पद बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। बाल ठाकरे के सुलगते हुए एडिटोरियल ने दंगों की आग में झुलसा दिया बॉम्बे को। 1992-93 के इन दंगों में लगभग 850 जाने गई। दंगों के दौरान ही जनवरी 1993 में सामना में बाल ठाकरे का एक और भड़काऊ एडिटोरियल छपा। बाल ठाकरे ने कभी भारतीय मुसलमानों को देशभक्त पुकारा तो निशाने पर लिया बाहर से आए मुसलमानों को। बांग्लादेश के मुसलमान आ चुके, इतनी झोपड़पट्टियां उनकी फैली जा रही, जहां जहां कोई प्लाट होता है उस पर धीरे सीधे वो कर देते हैं, आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। बाल ठाकरे जी मृत्युते তার পরিবার পরিজন তার শুভার্থী সকলকেই আমাদের শোক এবং সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি দীর্ঘদিনের একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং দীর্ঘদিন তিনি মুম্বাইতে রাজনীতি করেছেন মহারাষ্ট্রে, এবং কেউ তাকে মানতে পারেন কেউ না মানতে পারেন, এটা পলিটিক্যাল ইডিওলজির ব্যাপার, কখনো তর্ক বিতর্কও হয়েছে, কিন্তু বাল ঠাকরে নিজের একটা নিজস্বতা নিয়ে সারা জীবন রাজনীতি করে গেছেন। তার মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক প্রকাশ করছি। दंगों के फौरन बाद साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद भी बाल ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिए, लेकिन इसके बाद कई बार भड़काऊ भाषण करने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लफ्जों से शोले उगलने वाले बाल ठाकरे पर इस बार कानून ने कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सका। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके बाल ठाकरे ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो जम्मू कश्मीर तक पूरा मुल्क भड़क उठेगा। ठीक है, मेरी वजह से सरकार चाहती है कि धर्म युद्ध शुरू हो तो ऐसा ही सही। और सरकार कुछ न कर सकी। इसे हालात की मजबूरी कहें या कांग्रेस की कमजोरी, बाल ठाकरे इस पूरी घटना के बाद एक टाइगर की तरह महाराष्ट्र के सियासी घमासान में उभरे। उनके नेतृत्व में शिवसेना एनडीए का एक प्रमुख घटक रहा है। उनके निधन से न केवल महाराष्ट्र का या शिवसेना का बल्कि एनडीए का बहुत नुकसान हुआ है। उनके निधन से उत्पन्न हुई क्षति को पूरा करना कठिन है। वो बहुत ही निर्भीक और स्पष्टवादी योद्धा थे। उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और वो सदैव याद किए जाएंगे अपने अनोखे व्यक्तित्व के लिए। बाहरी मोर्चों पर जीत दर्ज कर रहे बाल ठाकरे को पार्टी के अंदर इस बीच गहरा झटका झेलना पड़ा, जब उनके अजीज और करीबी छगन भुजबल उनका साथ छोड़ गए। ये साल था 1991। मंडल कमीशन की सिफारिश को नकारते हुए बाल ठाकरे ने ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया, जबकि भुजबल जो कि ओबीसी थे चाहते थे कि मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया जाए। विचारों के इस टकराव ने ठाकरे और भुजबल को एक दूसरे से जुदा कर दिया। सन 1991 में मैं दोबारा मेयर बना था, वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर हुए और उन्होंने मंडल आयोग को जो अपनाया, उन्होंने कहा कि हम लोग उसका स्वीकार करते हैं। महापौर के नाते मैंने उनकी उस स्टेटमेंट का जो है स्वागत किया कि मैं स्वागत करता हूं कि आपने मंडल आयोग का स्वीकार किया है भारत सरकार ने। अब वहां से जो है हमारा जो है थोड़ा सा अनबन जो है शुरू हो गई। बाला साहब ने कहा कि नहीं कि हम आरक्षण को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कहा कि हम तो करना चाहते हैं, हम कास्ट के खिलाफ हैं, कास्ट रिजर्वेशन के, क्योंकि इनमें दलितों में भी कोई रईस आदमी है, श्रीमंत है,
उसको उसके लड़कों को भी दे दे, आर्थिक कमजोर है वो, आर्थिक कमजोरी से ये करो। बाल ठाकरे का मिशन बड़ा था, मामूली नुकसान उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। भुजबल चले गए तो क्या हुआ, उनके पास जनता का बल था और भीड़ की ताकत से खेलना ठाकरे को खूब आता था। उन्हें मालूम था कि जनता के दिल में जगह बनी रही तो सत्ता में खुद ब खुद जगह बन जाएगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। शिवसेना की राहें सियासत के गलियारों से होते हुए अब सत्ता की मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। 24 मार्च 1995, ये वो तारीख थी जब बाल ठाकरे का कई बरसों का सपना पूरा हुआ। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और मुंबई के टाइगर बाल ठाकरे बन गए किंग मेकर। मुख्यमंत्री तो थे शिवसेना के मनोहर जोशी और उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, लेकिन सत्ता की असली कमान थी बाला साहेब ठाकरे के हाथों में। इन्हें इस दौरान महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल भी पुकारा गया। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी है, नहीं कंट्रोल तो होना ही चाहिए। शिवसेना बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। राजनीति में बाला साहेब की तूती बोलती रही, लेकिन निजी और पारिवारिक रिश्तों में इस दौरान बाला साहेब को कई आघात झेलने पड़े। साल 1995 में उनकी पत्नी मीना ठाकरे, जिन्हें शिव सैनिक मां साहेब के नाम से पुकारते थे, उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अभी बाल ठाकरे इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की 20 अप्रैल 1996 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। एक तरफ सत्ता का सुख, दूसरी तरफ अपनों से बिछुड़ने का दुख। जिंदगी कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे के सामने अजब तस्वीरें गढ़ रही थी। इन सब के बीच 1996 में राज ठाकरे ने मुंबई में अमेरिकी पॉप स्टार माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट करवाया। कहां तो वैलेंटाइन डे का विरोध और कहां पॉप कॉन्सर्ट। बाल ठाकरे की आलोचना भी हुई, लेकिन बाल ठाकरे विरोधियों का मुंह बंद करना खूब जानते थे। जिस प्रदेश के एलिमेंट हमारे खून में रोगों में क्यों लैला मजरू करो, इसे क्या मिलता है तुमको, एक गुलाब का फूल देते हैं तुम, बस कुछ करना है तो ऐसा कुछ करना तो करो। कहीं हमारे देश की कोई, अभी देखिए हमारे लैला मजनू की बात अमेरिकन लोग करेंगे क्या, बजरा पेशवा था और इसकी मस्तानी, वो दिन मनाना क्यों नहीं करते, अमेरिकन लोग करेंगे। जो हमारी चीजें वो नहीं मानते हैं ना करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं तो हम क्यों माने। लेकिन अभी 1992-93 में मुंबई में हुए दंगों पर श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी थी। साल 1998 में ये रिपोर्ट आई और शिवसेना पर इस रिपोर्ट में दंगे कराने और भड़काने का आरोप लगा। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना की महाआरती को खास तौर से जिम्मेदार ठहराया मुंबई में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दंगों के बीच जो शांति का समय था, इस दौरान कमीशन के मुताबिक महाआरती ने मुंबई में माहौल खराब करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल ये महाआरती की जाती थी सड़कों पर नमाज पढ़ने और मस्जिदों से उठने वाली अजान के खिलाफ। कमीशन ने यह भी पाया कि इन महाआरती के दौरान भड़काऊ भाषणबाजी भी की जाती थी। इल्जाम के बाद कानून इंसाफ की तैयारी में था कि साल 1999 में शिवसेना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी साल बाल ठाकरे से आने वाले 6 सालों के लिए वोट डालने का अधिकार तक छीन लिया गया और फिर साल 2000 में शिवसेना सुप्रीमो को 1993 में लिखे भड़काऊ एडिटोरियल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर के लिए मुंबई थम गई। अदालत में ये केस जुर्म और मुकदमे के बीच इतना लंबा फासला होने की वजह से फौरन खारिज भी कर दिया गया। बाल ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में छिटपुट हिंसा की घटनाएं ही हुई। गिरफ्तारी के पहले के महाराष्ट्र के किंग मेकर, मुंबई के टाइगर के बड़े बड़े दावे गिरफ्तारी के बाद सच्चाई की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इसी के साथ लगने ये भी लगा कि उतरने लगे हैं टाइगर के सितारे।